आज के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, आई एम सॉरी। इमरान भी आपको पता है ना, रमजान आ रहा है यार, तो मैं नहीं चाहती आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा। अरे मेरे दिल में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, हम तो पहले भी ये चाहते थे कॉम्प्रो हो जाए। मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी आप लोगों के साथ, बिकॉज यार मेरे फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। सो गाइस चेक करो, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने रूम से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो चलो गाइस, आज वाली वीडियो में सबसे पहले नाम ले लेते हैं जिन्होंने कल वाली वीडियो में कॉमेंट किए थे। तो पहला जो नाम है वो है भाई अपना हर्षित, दूसरा है भाई आशु एक्स, तीसरा है भाई गुरप्रीत व्लॉग, चौथा है भाई दर्शन राइडर, पांचवा है भाई आरजी गॉड वाईटी और लास्ट वाला है भाई सल्लू राज व्लॉग। तो इन छह बंदों ने भाई कल वाली वीडियो में कॉमेंट किए थे। तो गाइस अपना मैं कोशिश करूंगा मैं भाई और ज्यादा नाम ले पाऊं, जैसे मैंने आज छह बंदों के नाम लिए हैं, कल मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आठ बंदों के नाम लूं। अगर मैं रेगुलर नहीं ना रहूं तो मुझे याद करा देना, बाकी हम कोशिश करेंगे रोज ज्यादा बंदों के नाम ले पाए। तो गाइस अभी का सीन मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अभी हम जा रहे हैं भाई आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मोटो व्लॉग बनाने के लिए। एंड गाइस मैंने तुम लोगों को एक बात और बतानी है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे रमजान स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब कि 12-13 से अपने ना रमजान जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे रमजान खत्म होंगे ना, उसके बाद मैं भाई स्विच करने वाला हूं मोटो व्लॉगिंग से, स्विच करने वालों में स्टंट राइडिंग में। मैं बीच बीच में मोटो व्लॉग भी करूंगा, राइड भी करेंगे, ट्रिप्स वगैरह भी मारेंगे रोज का, मतलब कि एक डेढ़ घंटा तो मैं प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। एंड गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, सीरियसली मेरे को एक विली तक नहीं आती है, तो अभी हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और मैंने पहले से माइंड सेट करके रखा हुआ है, अगर मुझे स्टंट राइडिंग सीखनी है ना तो मेरे क्रैशेज वगैरह होंगे ही होंगे। अभी मैं तुम्हें पूरा सीन बताता हूँ आगे चल के अपनी बाइक पे, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना हमारा आज का वीडियो कैसा बना हुआ है। तो चलो भी निकलते हैं यहाँ से और मैं मिलता हूँ आपको सीधा अपने मोटो व्लॉग के सेट पे गाइस। सो वेल गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपना पेट्रोल पंप पे। तो चलो यार सबसे पहले अपनी बाइक में फ्यूल भरवाते हैं, भैया 500 का डाल दो। लो गाइस अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या सोच के भाई स्टंट राइडिंग की तरफ जा रहा हूँ। देखा जाए तो मेरे को ना बहुत पहले से शौक था कि यार मेरे को कोई ऐसा बंदा मिले जिसके अंडर मैं भाई ट्रेनिंग करूँ स्टंट राइडिंग को लेके, पूरे मतलब कि प्रॉपर गेयर के साथ। तो अभी ना मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा भाई, सैम स्टंट हो गया, सुजेन हो गया, तो इनके अंडर मैं सीखने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता है मेरे पास 200 है, तो अभी मैं उसको ना पूरा तैयार करने वाला हूँ और उस बाइक को मैं रखूंगा सिर्फ भाई स्टंटिंग के लिए। गाइस मैंने पहले से माइंड सेट करके रखा हुआ है कि अगर मेरे को स्टंट राइडिंग सीखनी है तो क्रैश जो है वो पॉसिबल ही है। अब जो स्टार्टिंग में सीखता है ये तो भाई गारंटी है कि भाई वो गिरेगा ही गिरेगा। अब ये तो नहीं है कि भाई बंदा गिरेगा ही नहीं, अब बंदा सीखेगा गिरेगा, पर मेरे को ना वहाँ पे ना पूरा मतलब कि होशो आवाज में पूरा करना है भाई, ट्रेनिंग वगैरह पूरी लेनी है प्रॉपर गेयर के साथ, हेलमेट एक अच्छा होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि मेरे पास राइडिंग गेयर वगैरह सारे पड़े हुए हैं, अभी ना मैं प्रॉपर गेयर पहन के ना भाई स्टंट राइडिंग सीखने वाला हूँ। और गाइस बहुत से भाई लोग जब मेरे को मिलते हैं ना तो वो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि भैया एक बिल्ली दिखा दो। तो मैं उनको क्या बोलूँ कि भाई मेरे को बिल्ली तक नहीं आती मारने, बेसिक स्टंट तो मेरे को सीखना तो बनता ही बनता है। जम्मू में इतनी जगह नहीं है जहाँ पे भाई बंदा स्टंट राइडिंग सीख पाए, बट एक जगह है अपना रिंग रोड, वो रिमोट एरिया, वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आती है। पर अब जब वो रोड बन जाएगा ना फिर वहाँ पे भी गाड़ियाँ वगैरह चलना स्टार्ट हो जाएगी। 3-4 महीने ही है जो मैं भाई वहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर पाऊंगा, तो उसके बाद तो भाई वापस से सिद्रा में ही आके करनी पड़ेगी मेरे को प्रैक्टिस वगैरह। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगा, अगर आप भी स्टंट राइडिंग वगैरह सीखना चाहते हो ना तो प्रॉपर गेयर के साथ सीखो, ठीक है। मेरे पास प्रॉपर गेयर पड़े हैं, मेरे पास राइडिंग पैंट पड़ी है, राइडिंग जैकेट पड़ी है, एक अच्छा हेलमेट है। आपके पास राइडिंग गेयर नहीं है, कम से कम एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए, क्योंकि जो सर है ना वही बंदे का मेन हिस्सा है। हेलमेट के बिना आप सीखोगे ना तो आपको हेड पे भी इंजरी वगैरह आ सकती है, बहुत सीन हो सकता है। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपना सिद्रा वाली साइड, तो चलो अभी चलते हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स भी वेट कर रहे हैं तो उनके पास चलते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। तो चलो अभी चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपको सीधा अपने भाई लोगों के पास में गाइस। सो वेल गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जे टाउन में, और गाइस जहाँ पे आया था तो ये सारे बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो सैम को मैं पहले लेने गया था, तो सैम मेरे साथ आया, तो अभी हम जैसे पहुंचे जे टाउन में और ये यहाँ पे आ गए थे। कॉम्प्रोमाइज करना है, हम तो पहले बोल रहे थे भाई तुम्हें कॉम्प्रोमाइज कर लो। यार मैंने गलत किया यार, मैंने सोचा नहीं था पहले यार ये सब होगा यार, फिर भी तुम मेरी हेल्प करने आ गए यार। अरे वो कोई बात नहीं है, दोस्ती में लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती हैं, उसका कोई इशू नहीं है यार। मैं पहले भी आया था कंप्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे तुमने किया था कुछ उल्टा वगैरह, मैं और ये आए थे कंप्रोमाइज़ के लिए। चलो आज पहले से बोल रहे कंप्रोमाइज़ कर लेता यार, कल मेरी भी गलती थी तो आप हेल्प वगैरह करने आए, मैं बड़ी मुश्किल से बचा यार। कोई बात नहीं, ध्यान से जाया कर, बेचारी ट्रेन ही ऊपर चढ़ जाती यार भाई, अगर हम पहुँचे नहीं होते क्या पता ऊपर वाला कोई किसी और को भेज जाता, लेट हो जाता। लेकिन लेट कहा, जो ही तुम आए उसके बाद कुछ ही एक दो मिनट में आ गए और आया भी नहीं कोई तब तक यार। चल यार, होता रहता है भाई, थैंक यू यार, होती रहती है, कोई इशू नहीं है। चलो थैंक यू यार,
कोई नहीं, मैं कंप्रोमाइज ही करने आया था। बाकी यार आप पता नहीं तुम करोगे कंप्रोमाइज या नहीं। हम तो पहले से बोलते हैं कंप्रोमाइज कर लो। मैंने डोरेमोन को भी बोला कि यार कंप्रोमाइज कर लेंगे यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार, इन्होंने मेरी हेल्प वगैरह भी की, तो अगर फिर भी मैं इसके बाद अगर इनके साथ गलत वगैरह करूं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा यार। हम तो तीन चार बार आए, चलो ठीक है फिर, ठीक है सॉरी यार अगर कुछ बुरा लगा। कोई बात नहीं, मैंने देखो उस दिन थप्पड़ दिया था उसके लिए भी सॉरी, ठीक है। हम तो पहले बोल रहे थे कॉम्प्रो की। थैंक यू सो मच यार, आपने जान की हेल्प की यार, थैंक यू। अरे वो तो भाई है अपना, कोई बात नहीं, आपने नहीं करना कॉम्प्रोमाइज यार। आप तो डायरेक्ट मतलब आए, आपने हेलो नहीं, आए नहीं कुछ। अच्छा हेलो तो, हेलो तो कर रहा हूँ मैं आपको, करो हेलो गाइस। यहाँ पे दोनों बैठे हुए, बेचारा कल ट्रेन के नीचे से निकाला है, हमने मर गया था, बच गया था। इब्रार भैया सॉरी यार, मैंने आपको, अरे कोई बात नहीं, वेट करना है। अगर मेरा कुछ भी बुरा, आपको अगर बुरा लगा हो मेरा किसी बात का, तो मेरी तरफ से सॉरी। शुक्रिया यार इब्रार भैया, आपको पता है ना रमजान आ रहा है यार, तो मैं नहीं चाहती आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा। अरे मेरे दिल में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। हम तो पहले भी ये चाहते थे कॉम्प्रो हो जाए, पर आप ही, अब चलो कोई नहीं, अब भूल जाओ पुरानी बातें जो भी है। यार आप भैया को सॉरी बोल देना यार मेरी तरफ से, मैं उनको फेस टू फेस खुद भी बोल दूंगी सॉरी, बट प्लीज आप उनको सॉरी बोल देना। और बाकी वो वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो में आप पेमेंट कर देना, जो वाइजर टूटा था ना उसकी पेमेंट कर देना, बस कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे हम सबका कॉम्प्रो हो गया हुआ है, तो मैं भी यही चाहता था कि भाई इनको कॉम्प्रो वगैरह हो जाए। तीन चार दिन से भाई यही सीन लगा हुआ था, हम भी आते थे कॉम्प्रो करने के लिए, बट कोई ना कोई सीन हो जाता था। चलो कोई नहीं, अभी पुरानी बातों को भूल जाते हैं, अब इनके साथ कॉम्प्रोमाइज वगैरह हो गया हुआ है। कॉम्प्रो हो गया, आपने भी दिल से माफ कर दिया ना? हाँ हाँ दिल से माफ किया यार, पक्का। हाँ कर दिया कर दिया। बाकी मेरा भी कल आएंगे तो उनसे मैं बात कर लूंगी, तो मैं आज के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, सॉरी। क्यों? बिकॉज मेरा, मैंने एक फ्रेंड बना लिया है। फ्रेंड बनाया तो उसका थोड़ी ना व्लॉग के साथ लिंक है। नहीं यार मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से हम फ्रेंड्स बन जाएं, फिर से कोई ऐसा इशू हो, लड़ाई झगड़े, ये सब मतलब गलत फैमिली बन जाती है, वो पता नहीं होता है उस चीज़ का, तो फिर मैं नहीं चाहती यार ये सब, तो इसलिए मैंने फ्रेंड बना लिया। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ही निकल रही थी, तो यहाँ पे जैन आया, जैन के साथ मैंने बात की, जैन के अंदर उनके पहले सैम और आ रहे हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है ओके, फिर पहले कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ से निकलती हूँ। मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है, वो मेरे को कॉल भी कर रहा है अभी, तो बाकी आप बनाओ व्लॉग्स, कोई इशू नहीं है। आपने मेरे को माफ़ कर दिया, माफ़ तो कर दिया मैंने, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, ये क्या मतलब है? मतलब तो यार बस अब मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी आप लोगों के साथ, बिकॉज यार मेरे फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता, मैंने फ्रेंड बना लिया है। क्या बोलूँ मैं, क्या करें फिर यार? वो मैं उसके बारे में आपको उतना ज़्यादा नहीं बता सकती, इतना है कौन, ये तो बताओ मेरे को, तो बताओ कौन है? जब आपकी फ्रेंड बनी थी आपने बताया था, आप कह रहे थे वो मेरा पर्सनल मैटर है, तो फिर ये भी मेरा पर्सनल मैटर है ना, तो मैं नहीं बता सकती आपको सॉरी।